हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लेकर आए हैं लॉकी गोश्त की बेहद मज़ेदार आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। हर कोई खाने वाला आपकी बहुत तारीफ़ें करेगा अगर जिसको भी आपने इस तरह से ये लॉकी गोश्त बनाकर खिला दिया। तो भाई चलिए बनाएं खाएं। रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 500 ग्राम गोश्त लिया है जिसको अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पर हम बना रहे हैं इसको पतीली में। गोश्त को हमने यहाँ ले लिया है और साथ में यहाँ हमने ली है एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको काट लिया है। प्याज गलने के बाद यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर दिएगा। आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें। नमक और मिर्च दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, जितना आपको तीखा पसंद है या कम तीखा। अब ये सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। अब ऐड करना है यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने यहाँ पर एक छोटा चम्मच लहसुन और एक छोटा चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। एक कप पानी इसमें हम डालेंगे, बड़ा कप भर के पानी डालना है क्योंकि इसको हम पतीली में बना रहे हैं। और भाई इसे आप रख दीजिए मीडियम फ्लेम पर, साथ में कुकिंग ऑयल डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमने ऑयल ऐड किया है इसमें एक मीडियम साइज़ का चम्मच भर के और बस यहाँ पे हमने इसको रख दिया पहले हाई फ्लेम पे। प्याज ने भी अपना खूब सारा पानी छोड़ा और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि गोश्त हल्का सा गल नहीं जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल घुटने लगी है, अच्छे से गल गई है। और हमने गोश्त ऐसा नहीं कि पूरी तरह से भून लेना है तब हम यहाँ लौकी ऐड करेंगे। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। बस हमने क्या करना है, गोश्त जब भुनने पे आ जाएगा, मतलब तेल नहीं दिख रहा है अभी ऊपर, गोश्त भुनने पे आ गया तब हमने यहाँ पर लौकी डाल दी है। और लौकी डालने के साथ ही हमने यहाँ दो हरी मिर्च को ऐसे ही डाल दिया है और काटा नहीं है बारीक, बस हरी मिर्च को बीच से तोड़ के ऐसे ही डाल देना है। और लौकी जो हमने ली है वो 1 किलोग्राम है और गोश्त 500 ग्राम था। लौकी डालने के बाद हाई फ्लेम पे फटाफट इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि लौकी भी काफ़ी पानी छोड़ेगी। और उसके बाद देखिए ये लौकी भी हमारी गल गई है अच्छे से और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब बढ़िया से इसको हम भून लेंगे। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें और रेसिपी हमारी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।